खरगोन जिले के बड़वाहा में शनिवार शाम को हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां कहार मोहल्ला जमात खाने के पीछे एक व्यक्ति को घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छोटे खां को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और तहसीलदार शिवराम कनासे मौके पर पहुंचे, जहाँ पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आज 5:30 बजे की लगभग घटना, और रात को फिर मेरे आदमी को फोन लगाया, तो उसके अंदर तुम घर आ जाओ, मेरे को बहुत जान को खतरा आएगी, वो चोरा घूम ले रहे थे, वो बिलक मिल कर रहा था कि तूने बोल पाता ना था। तो मेरा आदमी अभी 5:30 बजे गाड़ी से आया और वो चोरा के गली में से निकल रहा था, तो मेरे आदमी ने 2-3 इसको इटारे फेंक के मारे, और मैं घर से बाहर निकाल, अंदर के गेट लगा के अंदर थी मैं, और फिर मैंने गेट खोला और मेरा आदमी मेरे अंदर बोला चाय वाले चाय पी ले, चाय पी रहे थे हम लोग, और मैं वो एकदम आया और मैं कुछ कर भी नहीं पाई, दरवाजा लगा दिया, गला चाकू सब दूर इधर उधर घोंप दिए, घर में घुस के उसने चाकू मारे, घर में घुस के चाकू मारे। क्या घटना घटी? ये क्या है, 5:30 बजे समथिंग में ये लड़का आया और इनके घर के अंदर धार धार चाकू से हमला करके भाग गया। इतनी देर में ये क्या है, इनकी वाइफ आई मेरे पास में, मैं वहाँ पे जमात खाने में काम कर रहा था, इतनी देर में क्या है कि मैं गया, जितनी देर में वो मार कूट के भाग गया था। आपने क्या देखा वहाँ पे? मौके पे मैंने यही देखा कि उनको चाकू के खून के निशान वगैरह थे, और उसी दौरान सैयद आमिर अली अरुण का मारने वाला देखा आपने? मुझे नाम तो नहीं मालूम है, बाकी राज सोनकर है। आपने देखा उसको? देखा ना भागते हुए, पीले शर्ट में भागा था, उसके हाथ में कोई हथियार भी था? हथियार छोड़ के भागा। क्या नाम था? सैयद आमिर अली। सर बताएं घटना घटी आज? जी अभी हमको सूचना मिली कि घटना हुई है बड़वा में, तो हम तत्काल पहुंचे हॉस्पिटल में, यहाँ एक छोटू नाम के व्यक्ति है उसका मर्डर हुआ है, और मेरे DI साहब से बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि जिसके द्वारा ये घटना की उसको ग्राउंड अप कर लिया गया है, और जिसने भी किया है कानून के हिसाब से जो कानून सख्त कार्रवाई होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं होगा। बड़वाहा से वाजिद खान की रिपोर्ट।